हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं अल्फाबेट एनालॉजी। देखिए, अल्फाबेट एनालॉजी का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बीजे BIJAY को WJKVZ लिखा जाता है तो कुमार को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। कहने का मतलब यह है कि बीजे को तो WJKVZ लिखा गया है, तो कुमार को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आइए इसे सोल्व करते हैं। सोल्व हम कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं कि जैसे बीजे को WJKVZ लिखा गया है तो कुमार को क्या लिखा जाएगा। अब पहले मैं आपको बीजे का बताती हूँ कि बीजे का ये कैसे आया WJKVZ। अब देखिए, विजय में पहले वी है और उसके बाद वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, तो इन्होंने लिखा है डब्ल्यू। आप ध्यान से देखिएगा, वी के बाद डब्ल्यू, आई के बाद क्या आता है जे, तो इन्होंने लिखा है जे। जे के बाद क्या आता है के, तो यहां पर दिया गया है के। ए के बाद क्या आता है वी, तो ये आता है वी। बाई के बाद क्या आता है जेड, ये आता है जेड। इस तरीके से इन्होंने विजय का क्या दिया है, WJKVZ। यहाँ पर जो हुआ है, नेक्स्ट अल्फाबेट दिया गया है, यानी कि जो अल्फाबेट है उससे नेक्स्ट वाला क्या आएगा, ये दिया गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन में हमारे क्या पूछा है कि यदि संकेतिक भाषा में बीजे को के WJKVZ लिखा जाए तो कुमार को क्या लिखा जाएगा। अब हम कुमार का देखते हैं। ऑप्शन है हमारे पास ABCD। अब कुमार का के बाद क्या आएगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीज हुआ, प्लस वन हुआ है, इंक्रीज हुआ है, यानी कि नेक्स्ट अल्फाबेट आया है, तो के बाद हमारा क्या आएगा, एल। यू के बाद बी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, आर के बाद एस। अब आप देखिए कि एल वी एन वी एस हमारे कौन से ऑप्शन में। देखिए, फर्स्ट में एल वी एम सी जेड दिया है, नहीं है। आर एम यू के दिया है, नहीं है। सी देखिए हमारा एल वी एन वी एस दिया है, तो कैसे आया हमारा एल वी एन वी एस, डी जे टी एल जेड क्यू है, जो कि नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एल वी एन बी एस। देखिए, क्योंकि बीजे में भी नेक्स्ट अल्फाबेट दिया गया है और कुमार में भी अगर हम नेक्स्ट अल्फाबेट लेते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एल वी एन वी एस। देखिए, के नेक्स्ट एल, यू के बाद बी, एम के बाद एन, ए के बाद बी, आर के बाद एस। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें हुआ है नेक्स्ट अल्फाबेट। तो इस तरीके से हमारा ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल वी एन वी एस। आइए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारा क्या है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी संकेतिक भाषा में टीच को वी जी सी ई जी लिखा जाए तो स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। आइए देखते हैं इसमें हमारा कौन सा मेथड यूज होगा, यानी कि इंक्रीज होगा अल्फाबेट नेक्स्ट वाला होगा या लास्ट वाला होगा, इसको सोल्व करके देखते हैं। देखिए, पहले हम टीच को लिख लेते हैं, जैसे कि इसमें टीच को बी जी सी ई जे दिया है, तो हम इस तरीके से लिख देते हैं। और अब हम देखेंगे कि ये बी जी सी ई जे क्यों आया। देखिए, मैंने यहाँ पर अल्फाबेट लिख रखी है, वैसे तो हमें फिंगरप्रिंट पे याद होती है, लेकिन अगर आपको याद करने में प्रॉब्लम है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आप देख सकें। देखिए, टी के डायरेक्ट बाद क्या दिया है, यहाँ पर बी, टी के बाद दिया है इन्होंने बी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि वहां पर नेक्स्ट अल्फाबेट दिया गया था, लेकिन टी के बाद क्या आता है, यू, और यू के बाद क्या आता है, बी। यानी कि देखिए, यहां पर देखिए टी और टी के बाद बी, तो इसका मतलब इन्होंने बीच में जो एक आता है, मतलब नेक्स्ट अल्फाबेट को छोड़कर सेकंड नेक्स्ट लिया है। तो इस तरीके से हम इसमें प्लस टू करेंगे, टी के बाद बी। अब ई के बाद क्या था, एफ, और एफ के बाद क्या था, जी। तो देखिए, ई, ई के बाद इन्होंने एफ को छोड़ा है इस तरीके से, तो यहां पर जी आया, और ए के बाद इन्होंने बी को, तो यहां पर क्या आएगा, सी, और सी के बाद इन्होंने छोड़ा है यहां पर डी, तो देखिए यहां पर आएगा ई, और एच के बाद आई के बाद जी। इसका मतलब यह है कि इन्होंने सेकंड जो नेक्स्ट अल्फाबेट है उसका भी नेक्स्ट लिया है। अब हम देखेंगे स्टडी में क्या अप्लाई होता है, स्टडी का हमारा आंसर क्या आएगा। जैसे हमारा क्वेश्चन में आप देखिए, यदि संकेतिक भाषा में टीच को वी जी सी ई जे लिखा जाए तो स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं कि स्टडी का क्या आएगा। एस के बाद अगर हम एक को गैप करते हैं, टी को छोड़ते हैं, तो हमारे पास आता है यू। देखिए, तो हम यहां पर लिखेंगे यू, और उसके बाद है हमारे पास टी। और हाँ, एक टिक मैं आपको बताती हूं, जैसे कि टी हमारा यहां पर भी दिया है और यहां पर भी दिया है, और सेम मेथड हमें लगाना है।
तो आपको यहाँ या वहां देखने की कोई जरूरत नहीं, पहले आप ये देख लीजिए कि टी इधर भी है और इधर भी, अगर टी का यहाँ पर भी आया है तो यहाँ पर भी बी आएगा, तो इसलिए हमें इसका देखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम बी लिख देते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए यू, यू के बाद अगर हम देखें, यू के बाद आता है बी और वी के बाद क्या आता है डब्ल्यू, यहाँ पर एच छोड़ा गया है, इस तरीके से हम लिखेंगे यू के बाद बी और बी के बाद डब्ल्यू। और डी के बाद देखिए डी, डी के बाद ई आता है, लेकिन हमें क्या लेना है डी, डी के बाद जो आएगा उसको लेना है एफ, तो इस तरीके से हमारे पास क्या आया एफ। अब देखिए बाई है, बाई के बाद क्या आएगा जेड, आप देखिए कि बाई के बाद हमारा आता है जेड, लेकिन हम क्या करेंगे एक मिनट में आपको दिखाती हूं। देखिए बाई के बाद जेड है, लेकिन हम जेड को छोड़कर फिर हम नेक्स्ट से स्टार्ट हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आना चाहिए ए, तो इस तरीके से बाई के बाद हमारा क्या आएगा ए। अब हमारे पास क्या आया यू बी डब्ल्यू एफ ए। अब हम देखेंगे आंसर में कि स्टडी को उसी भाषा में क्या लिखा जाए, हमारा आंसर आया है यू बी डब्ल्यू एफ ए। यू बी डब्ल्यू एफ ए कहां पर है, यू बी डब्ल्यू ई ए यहां पर नहीं है, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर नहीं है। बी यू बी डब्ल्यू एफ जेड ये हमारा राइट आंसर नहीं है। सी टी यू डब्ल्यू ई जेड ये हमारा राइट आंसर नहीं है। देखिए डी ऑप्शन में आप देखिए यू बी डब्ल्यू एफ ए, जो कि हमारा आंसर आया है यू डब्ल्यू बी यू बी डब्ल्यू एफ ए। तो इस तरीके से ये अल्फाबेट एनालॉजी के क्वेश्चन किए जाते हैं। आई होप आपको अल्फाबेट एनालॉजी समझ आया होगा।